जिले के लोगों के लिए बढ़ता प्रदूषण बना जी का जंजाल। एलएनजेपी अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ ने माना कि बढ़ रहे हैं आंखों में जलन के मामले। जिला कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए बढ़ता प्रदूषण जी का जंजाल बन गया है। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन प्रदूषण पर नियंत्रण करे। वहीं एलएनजेपी अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ ने माना कि आंखों में जलन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता गोयल से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सामान्य प्रदूषण मौसम में तब्दीली व दिवाली की वजह से भी वातावरण प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन, पानी आना, सूजन या फिर गले की खराश के मामले पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंखों को बार बार धोना नहीं है, बिना नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह के आई ड्रॉप की जगह गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं व बर्फ से आंखों की सिकाई भी कर सकते हैं। वहीं धीरज गांधी सुभाष कक्कड़ ने कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण सरकार को व प्रशासन को रखना चाहिए, यह उनकी जिम्मेदारी बनती है। नागरिक सुनील कुमार कहते हैं कि पराली नहीं जलानी चाहिए, इससे प्रदूषण बद से बदतर हो रहा है। ओपीडी आई ओपीडी में मरीजों की संख्या जो कंजंक्टिवाइटिस के पेशेंट्स हैं, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के स्पेशली, वो आजकल काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो इसमें यही है कि जो अब ये पोल्यूशन की वजह से जो आंखों पे इफेक्ट आ रहा है, अच्छा दूसरा मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है, और तीसरा दिवाली के दिनों में आजकल आवागही ज़्यादा है तो पोल्यूशन वैसे भी ज़्यादा हो रहा है, मौसम की तब्दीली है, तो इन वजह से एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के पेशेंट हमारी ओपीडी में बढ़ रहे हैं। तो जैसे आंखों में जलन होना, पानी आना, सूजन हो जाना, गले में खराश होना, ऐसे सिम्टम प्रायः देखने में आते हैं। तो इसके लिए हमें बचाव के लिए यही है कि एक तो हम बार बार आंखों को रगड़े नहीं, मले नहीं, अच्छा बार बार पानी से धोना भी नहीं है, हमने आराम से वॉश करनी है आइस, जोर जोर से पानी के छींटे नहीं मारने हैं, एक तो ये प्रिकॉशन है। बाकी हमने अपने हाइजीन का ध्यान रखना है, हाथ धोते रहना है बार बार। अगर आपको बहुत ज़्यादा समय तक बाहर रहना है, जैसे जिनका फील्ड का वर्क है तो वो लोग काले चश्मे का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करें। ओवर द काउंटर जो आई ड्रॉप्स मिलती हैं वो यूजुअली स्टीरॉयड्स होते हैं, वो यूज़ ना करें। उससे अच्छा ये है कि हम सिंपल डाबर का गुलाब जल या और कोई भी गुलाब जल आंखों में डालें, या सिंपल जैसे बर्फ के पानी से आंख को सेका दें, तो वो सबसे अच्छा एक उपाय है इससे बचने का, पोल्यूशन से बचने का। बाकी अब त्यौहार के दिन शुरू हो गए हैं, दिवाली के दिनों में ये पटाखे चलेंगे और उनसे हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि ट्रॉमा के केसेस हमारे पास बहुत आते हैं, अब शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को जो एक दूसरे के साथ खेलते हैं चोट लग जाती है, तो उससे हमें प्रिकॉशन लेना है इसमें, तो मेन यही है। जी जो ऑटो है और जो खेत है, किसान खानों में आग लगा देते हैं, प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और स्कूल की छुट्टियां हो नहीं रही है, प्रशासन देखो क्या करता है क्या नहीं, इनको इस तरफ से प्रशासन इस तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रशासन को बहुत ज्यादा फैल रहा है जिससे बच्चों को बहुत दिक्कत थी, स्कूल जाते हुए देखते हैं सुबह शाम को प्रदूषण हो जाता है, प्रशासन को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। जैसे ऑटो का प्रदूषण हो गया, खेतों में पराली जल रही उसका प्रदूषण हो गया, पटाखे जल रहे उसका प्रदूषण हो गया, सरकार से ये अपील है इसका कुछ ना कुछ हल कर। कल सुबह देखने को मिल रहा है और शाम को भी देखने को मिल रहा है कि भी प्रदूषण का जो मानदंड है बहुत बड़ा हुआ है, जिससे बच्चों को सवेरे और शाम, बुजुर्गों को बड़ी आंखों में समस्या झेलनी पड़ रही है। अतः प्रशासन से प्रार्थना है कि वो जितने भी अपने प्रदूषण का मानदंड है उनको ध्यान में रखते हुए उन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए,
और इसको कम से कम करने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।